हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग योर चैनल रील्स मास्टर। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू अ रील व्हिच इज गेटिंग वायरल डे बाय डे एंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द रील सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रील व्हिच इज गेटिंग वायरल डे बाय डे एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ रील एंड बूस्ट योर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट रील्स। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने रील स्टार्टिंग में देखी, वैसी रील्स आप कैसे एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं और आप अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना VN ऐप खोलना होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, या छोटा सा ऐड अगर दिख रहा होगा तो ये अपने आप स्केप हो जाएगा। तो आप उसके बाद का मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये वीडियो जब तक इम्पोर्ट हो रहा है तब तक के लिए आपको मालूम ही क्या करना है। तो हम वीडियो इम्पोर्ट करके आ जाते हैं। वीडियो हमारा जैसे इम्पोर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो पे जाना होगा, 9:16 कर देना होगा। और दोस्तों, ये ब्लैक वाला वाटरमार्क हटा देना होगा, इसमें आपको मतलब कोई भी मतलब आपकी वो नहीं है। ऑडियो आपको अलग से लगानी पड़ेगी और मैंने इसमें टेक्स्ट लिख के और एक आपका मतलब दे दिया है। फिर यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको अपनी एक फ़ोटो चूज़ कर लेनी होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो अपनी चूज़ कर लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर एक रैंडम फ़ोटो मैंने चूज़ कर ली है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, म्यूज़िक पर जाना है। उससे पहले आपको क्या कर देना होगा, जो आपकी वीडियो की लेंथ है आपको इसको कर देना होगा 8.10 सेकेंड। तो मैं देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ हमारी कितनी है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो की लेंथ आपको थोड़ी सी और बढ़ा देनी है, या आप 7 पॉइंट जितनी है आप वैसे रहने दीजिए, 8.10 ना करिएगा, जितनी है उतनी कर दीजिए, उतनी रहने दीजिए, क्योंकि फिर वीडियो ख़राब हो जाएगा। म्यूज़िक पे जाना है और आपको यहाँ पर म्यूज़िक अपना इंपोर्ट कर लेना है। म्यूज़िक इंपोर्ट करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाना होगा। दोस्तों, आपका जिस नाम से आपने म्यूज़िक यहाँ पर डाउनलोड किया होगा उस नाम से दिख जाएगा। तो मैं म्यूज़िक इंपोर्ट करके आ जाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मेरा इस नाम से आया है वीडियो में ऑडियो, आपका भी इसी नाम से, जो भी नाम सेव होगी उसको आपको इम्पोर्ट करके चूज़ कर देना होगा और यहाँ पर टिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ी सी फ़ोटो को यहाँ पर आपको बढ़ा, फोटो की लेंथ आपको बढ़ा लेनी होगी जहाँ तक आपका म्यूज़िक गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर स्प्लिट करके रिमेनिंग पार्ट को डिलीट कर देना होगा। और अब मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कि कैसा बना है। एफएक्स नहीं लगाए हैं क्योंकि इस पर एफएक्स मुझे तो जनरली पसंद नहीं आए थे और एफएक्स लगा भी नहीं रहे कोई भी मतलब बड़ा क्रिएटर इंस्टाग्राम पर। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैं बिना एफएक्स के लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसा बना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत होगी, यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है कि एक मैं दिखा दूँ कहाँ पर आपको कट लगाना है। I hate my smile, but this photo. अब ये कह रहा है I hate my smile, but this photo, जहाँ पर बोल रहा है वहाँ पर आपके आपको स्प्लिट करना होगा। ये मैं बता सकता हूँ, लगभग 3.3 पॉइंट कुछ सेकंड में आपको स्प्लिट कर देना होगा जहाँ पर ये बोल रहा है बट दिस फोटो, और रिमेनिंग पार्ट को डिलीट कर देना होगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी और फोटो की लेंथ को आपको बढ़ा लेना है जितना आपका म्यूज़िक है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को आपको यहाँ से क्रॉप कर देना होगा। क्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आइएगा और आप प्ले करके देखिए। तो आपको चाहे तो इफेक्ट लगा सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप वाइट या ब्लैक करके ड्यूरेशन इसकी बिल्कुल कम करके अप्लाई ऑल कर दीजिएगा। मैं म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो में कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको, और इसको आपको पूरे फ़ोटो में लगा देना है जितना लगे। और अगर आप चाहें कि सारी फ़ोटो में लग जाए तो आप यहाँ पर स्प्लिट कर करके अलग अलग फ़ोटो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, स्प्लिट कर करके आप यहाँ पर फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप पूरी सेम फ़ोटो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम फ़ोटो ही रख देता हूँ और एफएक्स पे जाके मैं यहाँ पर एक एफएक्स लगा देता हूँ। तो मैं जल्दी से एफएक्स लगा के आ जाता हूँ फ़ोटो में। तो आपको जो भी एफएक्स पसंद आए
आप अपने हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हैं। और अब मैं म्यूज़िक ऑफ करके फाइनल प्ले करके दिखा रहा हूँ कि कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। और सारा जो मटेरियल यूज़ किया मैंने वो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे सरप्राइजेज आपके लिए रखे जाते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हमने प्रोवाइड करे हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, उनको भी हम फॉलोवर्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने फॉलोवर्स हम अपनी तरफ से दे सके हम दे सकते हैं जेन्युइन फॉलोवर्स। तो भाई इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यारा सा कमेंट लिखेंगे, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।